अन्याय हो जुलम हो। मारत मारत मारी मारे लड़के आते हिम्मत से काम ले भैया, बहुत मुश्किल समय है लेकिन सब पूरा जिला आपके साथ है, पूरा इलाका आपके साथ है। कानू गलती की है सरकार से, हमें क्या महसूस करी तो हमारा लड़का गलत की है, कानू गलत ना की है रहा काम तो नहीं भाई आदर जना है उकरे नाम से तब ले जाए को के मार दिया हमारे लड़के को। बहुत बड़ा जुलूम हुआ आपके साथ। यही बात सरकार का न्याय चाहते हैं, मैं न्याय मिल जाए। बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, पूरा जनपद आपके साथ खड़ा है भैया, न्याय की लड़ाई में सब लोग आपके साथ, बिल्कुल न्याय मिलेगा, पूरी लड़ाई हम लोग सरकार हो सब गिरफ्तार हो जाएंगे, सब गिरफ्तार नहीं होंगे तो पूरा हम लोग घेरेंगे तरीके से, पूरा घेरा जाए। आइए 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 भैया, आप इस गाँव में आए थे? ये गाँव चक मिर्ज़ापुर पकड़ी है और यहाँ के एक युवा साथी किशन कुमार यादव जी को कुछ दिनों पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया और बगैर किसी आरोप के, बगैर किसी उनके ऊपर कोई अपराध भी नहीं था, उसके बाद गिरफ्तार करके बुरी तरह से पुलिस ने पिटाई की, इतनी शिद्दत से पिटाई किया कि उसकी वजह से उनकी दुर्भाग्यवश मौत हो गई। और हम तो कहते हैं कि मौत नहीं हुई, एक तरह से उनकी शहादत हो गई। ये बुनियादी तौर पर राज्य की सरकार का चरित्र और प्रशासन का और पुलिस का चरित्र दिखाता है। एक तरफ तो अपराधी सरेआम घूम रहे हैं लेकिन बेकसूर और बेगुनाह लोगों पर इस तरह से पुलिस जबरन हमले कर रही है कि उनकी मौत हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तमाम साथियों का ये संकल्प है और मैं समझता हूँ कि जौनपुर के समूचे विपक्ष का ये संकल्प है कि इंसाफ की लड़ाई में उनके पिताजी के साथ, उनके छोटे भाई के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ हम लोग सब लोग खड़े हैं, जिम्मेदारी के साथ इंसाफ की लड़ाई को, न्याय की बात को आने वाले समय में लड़ने का काम हम लोग करेंगे और इस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में करेंगे। धन्यवाद।